हाय फ्रेंड्स, न्यूनोट्रॉनिक्स के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे लेके आते हैं आप सभी के लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस के लिए। अगर आपसे कोई वीडियो मिस भी हो जाती है तो आप सिंपली गूगल पर न्यूनोट्रॉनिक्स.com लिखे, जिससे आप इसे ओपन कर सकेंगे तो आपके सामने यह साइट खुल जाएगी जहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैनर पे क्लिक कीजिए, जिससे आपके सामने डेवऑप्स ट्रेनिंग एंड जॉब अपडेट वाला चैनल खुल जाएगा, जिसे आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आप सभी के लिए लेके आते हैं डेली लेटेस्ट जॉब अपडेट। और चलते हैं आज की जॉब अपडेट की ओर। जॉब अपॉर्चुनिटी है वो है डेवऑप्स के लिए, तो चलते हैं हम सीधे हमारी स्क्रीन पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो वैकेंसी है वो होने वाली है डेवऑप्स इंजीनियर की। एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो होने वाला है फ्रेशर के लिए, और आपकी जो लोकेशन होने वाली है वो होने वाली है नोएडा। और ये अपॉर्चुनिटी जो है ये वर्क फ्रॉम ऑफिस होने वाली है, तो इसके बारे में मैं आपको और डिस्कस करके बताता हूँ कि क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स होता है। तो चलते हैं इस स्क्रीन पे। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपकी होने वाली है वो होने वाली है अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी ऑफ AWS प्रोडक्शन सिस्टम। तो एक चीज तो बहुत यहाँ पे क्लियर है कि आपका जितना भी वर्क होने वाला है यहाँ पे वो होने वाला है AWS के ऊपर। तो आपको जो एक क्लाउड यहाँ पे इंश्योर करना है वो होने वाला है AWS। और उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट एंड क्रिएशन, रिलीज एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। तो यहाँ पे आपको एक कोई ना कोई एक मैनेजमेंट टूल भी आना चाहिए। जैसे कि हम ले लेते हैं जीरा की बात कर लेते हैं, तो जीरा जो होता है मोस्ट कॉमन है वो आपको आना चाहिए। तो इवेल्यूशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव एंड वेंडर प्रोडक्ट, तो एक तरीके से ये एनालिसिस का काम जो होता है ये भी आपको आना चाहिए। और सिस्टम ट्रबल शूटिंग, ये आपका धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो ये सिस्टम ट्रबल शूटिंग तभी आपको आ सकती है। मगर हाँ, आपको इतना हैंड्स ऑन आपने कर रखा हो कि कैसे हम वीपीसी को कनेक्ट करते हैं, दूसरे रीजन के वीपीसी को हम कैसे वीपीसी पियरिंग कराते हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए। और इसे वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें जो होती है हमारे AWS के अंदर वो आपको मैंडेटरी होगी इस पोजिशन के लिए। और प्री प्रोडक्शन एक्सेप्टेंस एंड टेस्टिंग ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करते हैं, कहीं पे भी हम कोड को डिप्लॉय करते हैं तो उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है। तो उसके लिए आपको CI/CD में कैसे हम सोनार क्यूब हो गया जो टेस्टिंग टूल है उनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो चीज आपको आनी चाहिए। प्रोविजन ऑफ क्रिटिकल सिस्टम सिक्योरिटी बाय लेवरेजिंग बेस्ट प्रैक्टिस एंड पॉलीफ्रिक क्लाउड सिक्योरिटी सॉल्यूशन। तो ये एक तरीके से बात करी जाए तो हम जैसे माई ट्राफिक या ऑल ट्राफिक अलाउ करते हैं, तो वो चीजें जो है यहाँ पे आपको सिक्योरिटी सिस्टम, क्रिटिकल सिक्योरिटी सिस्टम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर बात करें प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन फॉर आर्किटेक्चर एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, तो कैसे आप मतलब बेस्ट आउटपुट ला सकते हैं कम से कम रिसोर्सेज के अंदर। डेफिनेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सिस्टम्स, राइट। उसके बाद डिजाइनिंग एंड मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ टूल्स फॉर ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन के लिए हम बहुत से टूल्स होते हैं जिसकी AWS का खुद का डेवॉप्स है वहां पे। मगर हाँ, अगर आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म या जनरल प्लेटफॉर्म की बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जेंकिंस का यूज करिए, क्योंकि जेंकिंस जो है बहुत इजी टू हैंडल होता है और बहुत सारे इसके अंदर हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। और उसके बाद करी जाए तो प्रूवन अवेलेबिलिटी टू कोलाबरेट विद मल्टीपल डिसिप्लिनरी टीम्स। तो ये एक डेवॉप्स अगर आप कहीं पे भी काम करते हैं तो ये आपके लिए होता ही होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के साथ तो वर्क करना पड़ता है। और आर्किटेक्चरिंग, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग, ये आपका एक प्लस पॉइंट होने वाला है। नॉलेज ऑफ वेब सर्विसेज, API, REST एंड RPC, इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं AWS, AWS के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें कहाँ तक आनी चाहिए। तो आप बेसिक बेसिक जो सर्विसेज है उसे तो बिल्कुल आप तो अच्छे से याद ही कर लीजिए, तो मैं वो बता देता हूँ। वो आपका EC2 इंस्टांस हो गया, जैसे S3 हो गया, VPC हो गया। और VPC के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्किंग जो होती है वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, VPC पियरिंग हो गया। और इसके बाद मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि अगर आप करना ही चाहते हैं जैसे कि CI/CD के टूल्स को और डिप्लॉय कराना है, तो आप कोई भी एक जावा का कोड उठा लीजिए गिटहब से, और जो कि मतलब API बेस्ड हो, जो कि स्प्रिंग बूट पे ही बना हो, क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्री में स्प्रिंग बूट का ही यूज किया जाता है। और दूसरे भी ऐप कर सकते हैं, मगर हाँ इंटीग्रेशन के लिए आप क्या कीजिए, एक कोई सा भी एक ले लीजिए कोड और उसको पूरा डिप्लॉय कैसे हम वहां से पुल करते हैं कोड को जेनकिंस के अंदर, फिर जेनकिंस के अंदर कैसे उसकी टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग के बाद हम कैसे उसको
इमेज बनाते हैं, फिर इमेज को हम कैसे डिप्लॉय करते हैं और उस इमेज को हम कैसे डॉकर में सेव करते हैं, तो वो चीज आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपके पास कोई और सजेशन भी हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के थ्रू।